आज ये 10वीं क्लास के विद्यार्थी थोड़े सामने संसद की बनतर बारे रोल प्ले पेश करन जा रहे हैं। मैं संसद हूँ, जिवें कि तुहानू पता ही है देश में जिन्ने भी कानून पास किए जाते हैं वो मेरे द्वारा ही पास किए जाते हैं। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हाँ, तो मेरा निर्माण ने जिहड़ा 1921 शुरू किया गया सी, ते लॉर्ड इरविन द्वारा 1927 मेरा उद्घाटन किया गया। तो मेरे दो भाग हैं, लोक सभा अते राज सभा। मैं लोक सभा हाँ, मैं एक स्थाई सदन हाँ। मेरा निर्माण 17 अप्रैल 1952 को किया गया। मेरे जो मैंबर आ तकरीबन 545 टोटल मैंबर होंगे, उन्होंने दो मैंबर जोड़े आ राष्ट्रपति द्वारा एग्लो इंडियन जाति के नाम किए जाते हैं। मेरा समय 5 साल का है वा, 5 साल तो पहला भी मैं आप स्वास का मता पास करके भंग किया जा सकता। ये मेरिया बैठक की प्रधानगी जी है वो स्पीकर साहब कर रहे हैं। मैं लोक सभा का स्पीकर हाँ। मेरी बनतर भारतीय संविधान की जिहड़ी धारा 93 अधीन हुई है, मेरे द्वारा सदन दी सारी बैठकों की प्रधानगी की जाती है, सदन विच पेश होने वाले सारे बिल मेरे द्वारा ही पास किए जाते हैं। सदन दे विच जेकर कोई बिल आउंदा है वो बिल धन बिल है या नहीं वो मेरे द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। मेरी प्रवानगी तो बिना सदन दे विच धन बिल नूं पेश नहीं किया जा सकता। जेकर सदन दे विच किसी बिल नूं लैके कोई मतभेद हो जावे अते उत्थे बैठियां मौजूदा पार्टियां दे विच आपस विच सहमति ना हो रही होवे अते बराबर उस बिल उत्ते वोट मिल जावे तो मैं एक अजिही स्थिति पैदा हो जाती है जिथे मैं अपनी वोट का अधिकार वरतदा हाँ। उस वोट नूं कास्टिंग वोट कहा जाता है। मैं अपनी कास्टिंग वोट का अधिकार वरत के उस बिल नूं पास कर सकता हाँ, अते ओह बिल उस पार्टी नूं उस पार्टी के हक विच ही जाएगा जिस पार्टी नूं मैं वोट देवांगा। अगर इस तो बाद ये बिल पास होने तो बाद लोक सभा दे विच बिल राज्यसभा विच जांदा है, अगर राज्यसभा दे विच इस बिल उत्ते कोई सहमति असहमति होंदी है तो राज्यसभा उस बिल नूं वापस लोक सभा दे विच भेज सकता है, लोक सभा दोबारा तो उस बिल नूं पास करके राज्यसभा विच भेज दिंदी है। अगर अजिही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो जाए कि राज्यसभा फिर भी उस बिल नूं पास नहीं करती तो दोवां सदनां दे विच एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर उस डेडलॉक की स्थिति नूं तोड़न दे लई देश का राष्ट्रपति एक जॉइंट सिटिंग बुलाउंदा है दोवां सदनां दी, लोक सभा अते राज्यसभा दी। उस जॉइंट सिटिंग की प्रधानगी भी लोक सभा दे स्पीकर द्वारा ही की जाती है। धन्यवाद। मैं राज्यसभा हाँ, संसद का उपरला सदन जा मैनू दूजा सदन भी कहते हैं। मेरे जेडे वध तो वध मैंबर ने 250 हो सकते हैं, 238 मैंबर ने जेडे वो राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेश नूं जेडे ने वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेडे 12 मैंबर ने वो राष्ट्रपति जी अपने हिसाब नाल कला साहित्य जां किसी भी खेत्र दे विच जिन्हां ने कोई नाम खटिया होवे उहदे विचों नॉमीनेट करते हैं। जिवें अपने सरदार बलबीर सिंह जी सीचेवाल इस वेले मैंबर ने पंजाब तो, ठीक है, तुहानू पता वो किन्ना वधिया काम कर रहे हैं। हरभजन सिंह जी ने जिहड़े क्रिकेटर ने वह भी मेरे मैंबर ने। मैं एक पक्का सदन हाँ, हर 2 सालों बाद एक तिहाई मैंबर जिहड़े आ मेरे विचों रिटायर हो जाते हैं, तो मेरा मैंबर बनने लई तुहाडी उम्र घट तो घट 30 साल होनी चाहिए है जां उस तो वध होनी चाहिए। मैं देश का उपराष्ट्रपति हाँ, तो मैं राज्यसभा का चेयरमैन हाँ, तो मेरा काम है राज्यसभा के मीटिंगा की प्रधानगी करना, तो मौजूदा जो मैं उपराष्ट्रपति हाँ मैं बीके नागू हाँ। मैं राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन हाँ, तो मेरी चोण राज्यसभा के मैंबर द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा चेयरमैन की गैर हाजिरी के समय मैं सदन को चलाता हाँ और मीटिंगा की प्रधानगी करता हाँ। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई दोनों? सो मैनु ये दसो भी राज्यसभा का मैंबर बनने लिए घट तो घट एज कितनी होनी चाहिए है? एनीवन? हाँ जी, रेज योर हैंड। ओके, तो किन्ने भागों में बन सकते हैं असं संसद नूं? ठीक, थैंक यू।